बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक इंफॉर्मेशन चैनल के सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माथे पर तिलक लगाना कैसा है? मुसलमान औरतों का सिंदूर लगाना कैसा है? सवाल, पेशानी पर टिप यानी तिलक लगाना हलाल है या हराम? हिल्लत और हुरमत के दलाइल क्या हैं? जवाब, माथे पर तिलक लगाना हिंदू मत की खालिसतन मजहबी अलामत है। मुसलमानों के लिए जायज नहीं कि किसी दूसरे मजहब की मजहबी अलामत को अपनाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की तो वो उन्हीं में से है। सुनन अबी दाऊद। मालूम हुआ, जो इलामत किसी मजहब की खास निशानी हो उसको अपनाना जायज नहीं। मुफ्ती मोहम्मद शबीर कादरी। सवाल, मुसलमान औरतों का सिंदूर लगाना कैसा है? जवाब, औरतों के लिए जीनत इख्तियार करना बिलाशुबा जायज है, मगर गैर मुस्लिम अकवाम की खास मजहबी अलामात की नकाली करना या उनका तरीका इख्तियार करना दुरुस्त नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उसी में से है। सुनन अबी दाऊद। सिंदूर हिंदू कौम का मजहबी शियार है। हिंदुओं के यहाँ मुख्तलिफ मजहबी रसूमात की अदायगी और शादी और पूजा के वक्त सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंदूर लगाना क्योंकि हिंदुओं का मखसूस और मजहबी अमल है, इसलिए मुसलमान औरतों के लिए सिंदूर लगाना जायज नहीं। ये मालूमात www.fatwa.com से हासिल की गई। ये वेबसाइट दारुल इफ्ता तहरीक मिनहाजुल कुरान का ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए अवाम नास को दीन के बारे में बुनियादी मालूमात और रोजमर्रा जिंदगी में पेश आमदा मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में फराहम किया जाता है। मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाहु खैरा।